हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नए विषय की स्टार्ट कर रहे हैं, वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी जिसे हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि बायोलॉजी में केवल जीवों का ही अध्ययन किया जाता है, और उस समय बायोलॉजी के पिता किसे माना जाता था? अरस्तु को। लेकिन कुछ समय जब बीता तो ऐसा माना गया कि बायोलॉजी में केवल जंतुओं का नहीं, इसमें जीव यानी कि दो भागों में बांट दिया गया। इसमें दो भागों में बांटा गया। एक बांट दिया गया जूलॉजी और दूसरे को बांट दिया गया बॉटनी में। जूलॉजी वो विषय है जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जंतु का अध्ययन करते हैं। और बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। जंतु यानी एनिमल का अध्ययन करते हैं। किसमें? जूलॉजी में। और पेड़ पौधे यानी प्लांट का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर बायोलॉजी के पिता किसे माना गया? अरस्तु को। वैसे यहाँ जूलॉजी के पिता किसे मानते हैं? तो जूलॉजी का भी पिता अरस्तु को ही कहा जाता है। जूलॉजी का पिता अरस्तु। वैसे ही बॉटनी का भी कोई पिता होगा, तो बॉटनी के पिता किसे बोलते हैं? बॉटनी का अगर पिता पूछ दे तो बॉटनी का पिता मानते हैं हम लोग किसे? थियोफ्रेस्टस को। बॉटनी के पिता थियोफ्रेस्टस। यहाँ तक कंफर्म। बायोलॉजी का हिंदी और जीव विज्ञान, बायोलॉजी के पहले पिता किसे मानते थे? अरस्तु को। लेकिन बाद में बायोलॉजी को कितने भागों में बांट दिया गया? दो भागों में। एक हो गया जूलॉजी और दूसरा हो गया बॉटनी। जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जंतु का या एनिमल का। बॉटनी में किसका? पेड़ पौधे या प्लांट्स का। जूलॉजी के पिता किसे बोलते हैं? अरस्तु को। और बॉटनी के पिता किसे बोलते हैं? थियोफ्रेस्टस को। अब देखिए, जीव विज्ञान की अगर लैंग्वेज में बोले तो जीव विज्ञान के लैंग्वेज में जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? पादप कहा जाता है। थोड़ी भाषा अलग है लेकिन इसे क्या बोलते हैं? पादप बोलते हैं। अब ये देखिए, जो जीव जंतु होते हैं ये कौन सी गति करते हैं? स्थानांतरीय गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे जगह जाते हैं। स्थानांतरीय गति करते हैं। लेकिन जो बॉटनी में आते हैं, पेड़ पौधे हैं, वो कौन सी गति करते हैं? स्थानबद्ध गति करते हैं। कौन सी गति? स्थानबद्ध गति। इतना बात आई समझ में? अब देखते हैं, जीव विज्ञान को जहां से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं वो शुरू होती है यहां से, सेल से। क्या बोलते हैं? सेल। सेल या इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोल देते हैं कोशिका। अब बात आती है कोशिका क्या होती है। तो कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे आप घर बनवाना स्टार्ट करते हो तो घर में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? घर में सबसे छोटी इकाई जो होती है ईंट होती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर की अगर सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो क्या हो जाएगी? सेल हो जाएगी, यानी कोशिका हो जाएगी। अब देखिए, बात आती है कि कोशिका तो हो गई, कोशिका का खोज किसने किया? अगर कोशिका पूछे तो खोज इसका सबसे पहले किसने किया? तो खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका खोज किया था? तो ये खोज किया थे मृत कोशिका की खोज किया था। कौन? रॉबर्ट हुक। और इन्हें खोज करने की वजह से इसे क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान का जनक भी बोलते हैं। किसे बोलते हैं? रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं। अब भाई, एक तो ये कौन सी मृत कोशिका की खोज कर दी है, अब एक लाइव भी होगी यानी जीवित कोशिका की। तो लाइव कोशिका की खोज किसने किया? तो लाइव कोशिका की खोज कर दिया ल्यूवेनहॉक। देखिए, मृत से रॉबर्ट हुक और लाइव से ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? जीवित कोशिका की खोज की। अब देखिए,
कोशिका विज्ञान के जनक किसे बोलते हैं? तो रॉबर्ट हुक को। और कोशिका होती क्या है? शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। अब पूछ देता है कि जिसमें कोशिका का अध्ययन करते हैं, कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे कौन क्या कहते हैं? इसे कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सेल का अध्ययन करते हैं। अब देखिए तीन नंबर पर पढ़िए, तीन नंबर पर आ जाते हैं कौन? स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत या सेल थियरी। अब कोशिका सिद्धांत में क्या आता है? जब इन्होंने बताया कि कोशिका, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। स्लाइडेन स्वान जो कोशिका सिद्धांत दिया है, इन्होंने बनाया कि हमारा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से बना हुआ है। जब हमारे शरीर पर चोट लगती है तो कोशिका टूट जाती है। अब कोशिका टूटने के पर क्या होता है? उस स्थान पर नई कोशिका भर जाती है, यानी कि कोशिका विभाजन हो जाता है। यानी कोशिका के एक बार और कोशिका सिद्धांत सुनिए। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है। जब हमारे शरीर पर चोट लगता है तो कोशिका टूट जाती है और उस स्थान को भरने के लिए नई कोशिका उस जगह को क्या कर देती है? भर देती है। अब देखिए ये पूछ लेता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? छोटी कोशिका कौन सी है? फिर पूछ लेता है कौन सी सबसे बड़ी कोशिका, ये कौन सा है? सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? माइकोप्लाज्मा। क्या बताओगे? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ा सबसे बड़ी कोशिका पूछ दे तो शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। शुतुरमुर्ग का अंडा। अब ये देखिए, अब बोलोगे सबसे बड़ी कोशिका यानी कि कोशिका क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि कोशिका क्या करती है? हमारे आंखों से दिखाई देती है। ये बिल्कुल नहीं है। शुतुरमुर्ग का अंडा तो दिखता है बड़ा सा, लेकिन शुतुरमुर्ग के अंडे में जो होता है उसे कोशिका बोलते हैं, न कि पूरा शुतुरमुर्ग का अंडा ही। कोशिका क्या होती है? कोशिका हमें आंखों से दिखाई नहीं देगी, आंखों से नहीं देख सकते। तो सबसे छोटी कोशिका अगर पूछ दे तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका पूछ दे तो शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखिए यहां से और एक खतरनाक क्वेश्चन बनाते हैं। यहां देखिए, ये तो हो गया पूरा ओवरऑल पूछ दे तो, अगर मानव में पूछ दे तो, मानव में पूछ दे क्या करे? मानव में पूछ दे तो, मानव में पूछ दे तो इसमें हो जाएगा एक, हो जाएगा सबसे छोटी, एक हो जाएगा सबसे बड़ी। सबसे बड़ी और एक हो जाएगा सबसे लंबी। तो मानव शरीर में, सॉरी मानव शरीर में या मानव में सबसे छोटी कौन सी हो जाती है? तो हो जाता है अस्पर्म। क्या होता है? अस्पर्म, यानी कि शुक्राणु। या ये किस में पाया जाएगा? केवल ये केवल मेल में पाया जाता है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो होता है ओवम। क्या होता है? ओवम, ओ वी यू एम होता है, ओवम। ये क्या होता है? अंडाणु। ये किस में पाया जाता है? तो ये केवल फीमेल में पाया जाता है, यानी महिलाओं में पाया जाएगा। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो ये न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरॉन्स। इसे और भी दूसरे नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं? तंत्रिका कहते हैं। तो अगर ओवरऑल पूछ ले कि सबसे लंबी कोशिका कौन, ओवरऑल पूछ ले कि सबसे बड़ी कोशिका, तो क्या बताओगे? माइकोप्लाज्मा। और सबसे छोटी कोशिका क्या बताओगे? शुतुरमुर्ग का अंडा। सॉरी, सबसे बड़ी पूछ ले तो शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी पूछे तो माइकोप्लाज्मा। अगर मानव में पूछ दे तो, मानव में पूछ दे तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी? स्पर्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी पूछ दे
तो ओभम हो जाएगी और सबसे लंबी पूछे तो न्यूरॉन्स हो जाएगी। अब बात आती है कि ये तो लंबी हो गया, छोटी हो गया और बड़ी हो गया। अब बातें आती है कि ऊपर पढ़े थे कोशिका सिद्धांत में कि कोशिका का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो अब थोड़ा पुनर्निर्माण के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण में सबसे तेज होगा एक और सबसे धीमा हो जाएगा। सबसे तेज और दूसरे तब सबसे धीमा। तो सबसे तेज अगर किसी कहीं जगह पुनर्निर्माण होता है तो कहाँ होता है? हमारे शरीर में, लीवर में होता है। लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। यदि आपको कोई चाकू क्या करे, लीवर के साइड में मार दे, तो ये क्या होता है? पुनर्निर्माण, मतलब फिर से सही हो जाएगा ऑटो में। उसके लिए कोई काफी दवा दारू की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो हमें क्यों ना साइड में पाया जाए लीवर, ये पाया जाता है लेफ्ट साइड में। अब वहीं राइट साइड में, राइट साइड में क्या मिल जाएगा? सॉरी, यकृत कहाँ मिलेगा आपको? यकृत आपके मिलता है दाहिने साइड में। यकृत कहाँ मिलेगा? राइट साइड में। और दाहिन, अगर लेफ्ट राइट साइड में चक्कू मारे तो कोई समस्या नहीं है। अब हमें अगर लेफ्ट साइड में भोंक दिया लॉस, लेफ्ट साइड में भोंक दिया लॉस यानी मार दिया लॉस चाकू, तो यह कहाँ पहुंच जाए? लेफ्ट साइड में कहाँ पहुंच जाला? जल्दी जल्दी बताइए, लेफ्ट साइड में स्प्लीन पाया जाता है। स्प्लीन, और हमें मार दी तो वो करा खाती क्या करी, दवा दारू ले पर जल्दी सही ना हो अल्लीहला का बादो बचबो कि ना बचबो, मेहनत करेगा भाई ढेर से। अब देखो, आ सबसे धीमा कहाँ होला? तो सबसे धीमा होला मस्तिष्क में। सबसे धीमा पुनर्निर्माण कहाँ होला? मस्तिष्क में, एकदम ना के बराबर। ना के बराबर यानी नहीं होला। कौन चीज होला मस्तिष्क में? न्यूरॉन्स। अगर केहू के कपड़ा पर, केहू खोपड़िया पर हुमचा के एक पास मार दिया तो का भइल? अगर का भइल, बस खाली चमड़ा हटल बा, चमड़ा फाटल में कपड़ा फाट गई तो कोनो दिक्कत नहीं के, वो सही हो जाई। हड्डी टूट गई वो जुड़ जाई। न्यूक्रेनियन, न्यूक्रेनियन माने कप दिमाग की का होला, ऊपरा एगोरी खोपड़ी होले वो फूट जाई तो कोनो दिक्कत नहीं के। लेकिन भीतरा वाला में मस्तिष्क में चल गई, ब्रेन पर लग गई, ब्रेन पर अगर चोट लग गई तो सही ना हो का हो जाए, तो ब्रेन हैमरेज हो जाए, दिमाग तो आर फाट दब गई। तो जितर उ सप्लाई का पूरा सप्लाई कहाँ से होती है? हमने दिमागे में से होती है। जैसे आई दिमाग बा, अगर ये दिमाग में से कहीं भी एक चोट लागल हई, ऊपर चमड़ा फाटल कोनो दिक्कत नहीं खे, ओकरे बाद हड्डिया टूट गई तबो कोनो दिक्कत नहीं खे। लेकिन हई दिमागवा का भीतरा वाला में अगर हई दिमाग बा आ ए पर चोट लग गई तो एमसीबी नियर काम करी। अगर हेमें से एगो सप्लाई पूरा कहाँ से होती है? हमने हे ही में से होती है। अगर यही में सप्लाइए में से कोनो एमसीबी गिर गई, यहाँ मरल फाटी आ फटला के बाद का ऐसे में से ब्लड निकली, आ ब्लड निकली तो का हुई ऊपर आ जाके जम जाई, आ जमी तो का हुई एरिया बढ़ी, एरिया बढ़ी तो हमें से कुछ नसिया दबा दी हसो, तब पता चल कि एक से का भैल, एक से अंगवे काम कैल बंद कर दिया। तो हमें से का होला, एगो अंग बंद हो जाए तो आप डॉक्टर का कर लो यहाँ से फड़िया से एके हे के स्केल्टन क्या करिए सो फड़िया सो यहाँ से जो खून जो यहाँ ब्लड धाबा नियर जमल बा एक क्या करें सो बाहर निकाल दिए सो फिर हम सीबी उड़ जी फिर टंटना का मानिक अंका करला काम करे शुरू कर दी। आई बात समझ में? तो ब्रेन ऑफ मार दिल तो सीधा का बनब? या तो गजनी बन जाइब, गजनी का हीरो देखल पगला जाई, या तो तेरे नाम का हीरो बन जाइब। ये कुल खोपड़िया मारी दल से का हो नी खपड़िया मरल का करी एगो अंगे कोनो काम कर बंद कर दी यानी पगलाए लगभ दिमाग सही से काम ना करी। अब देखा जा कोशिका के बारे में, देखा जा अब देखो केवना के बारे में, कोशिका के बारे में हेंगन एगो का बनौल गोला बना दी हलो, आ गोला बनौल जैसे मान लो कोशिका के हेताना लौकी ना ये तोरा के का करे पड़ी सूक्ष्मदर्शी लेवे के पड़ला तब का करे लौकी। लेकिन अगर मान लेते नहीं हेताना पड़े वो कोशिका बेस तो कोशिका के ऊपरा वाला जोन भाग रही हे ये का हो गई कोशिका हो गई। तो कोशिका को ऊपर वाला भाग के का कहल कोशिका झिल्ली बोल जाला, का कहल जाला कोशिका झिल्ली, या यही के का बोलबो अंग्रेजी में
सेल मेम्ब्रेन बोल जाला। क्या बोल जाला? सेल मेम्ब्रेन। का कहबो? सेल मेम्ब्रेन। आ सेल मेम्ब्रेन बनल केतकर होला, ये क्यों ना क्यों चीज का बना होता है, तो एमे 50% का होला प्रोटीन होला, आ 50% का होला लिपिड बोल जाला। का बोल जाला? लिपिड। 50% कोशिका क्यों, कोशिका झिल्ली क्यों ना चीज का बन रहे, 50% तो एमे का होला प्रोटीन होला, आ 85% लिपिड होला। अब बात आई कि कोशिका के अंदरवा ओरिका का होला, तो कोशिका के अंदरवा एगो सबसे पहले शुरुआत कर लिया कोना से, ले लिया जाए माइट्रोकांड्रिया के, कोशिका में एगो का होला माइट्रोकांड्रिया। यहाँ देख ला जा, यहाँ एगो मान लेने की का हो गई माइट्रोकांड्रिया हो गई, है का हो गई ऊपर का ई माइट्रोकांड्रिया हो गई, है का हो गई माइटो कांड्रिया, माइट्रो कांड्रिया हो गई। आ एक माइट्रो कांड्रिया जो हो गई, ये माइट्रो कांड्रिया के भीतर एगो टेढ़ा नुमा का होला संरचना पाओ जाला, टेढ़ाड़ संरचना पाओ जाला। ये टेढ़ाड़ संरचना के का कहल जाला? टेढ़ाड़ जो संरचना है बा तो का कहल जाला? क्रिस्टी कहल जाला। का कहल जाला? क्रिस्टी कहल जाला। जैसे अब तू सबसे पहले का कर लो, सांस ले लो। का कह लो? सांस ले लो। सांस ले के बाद ये कहाँ जाला हमने का? सांस ले के बाद फेफड़ा फूली, आ फेफड़ा में का रही? ब्लड रही। फेफड़ा में ब्लड, आ ब्लड में ब्लड एक लेके कहाँ आ जाई? ये पहुँचाई माइट्रोकांड्रिया में, ब्लड से का ली? ब्लड में जो सेल रही सेल में का जाई? ये भी ब्लड से का जाई? हवा जो पहुँची ये आ जाई माइट्रोकांड्रिया में। क्यों ना में? माइट्रोकांड्रिया में, माइट्रोकांड्रिया में आई। अब माइट्रोकांड्रिया में अला के बाद ये कहाँ पहुँची? ऑक्सीजन पहुँची। यहाँ माइट्रोकांड्रिया में अला के बाद में कहाँ पहुँच जाई? एमे पहुँच जाई ऑक्सीजन। आ ऑक्सीजन जो पहुँचेला ओके का कहल जाला? ऑक्सी श्वसन। का कहल जाला? ऑक्सी श्वसन। आ ऑक्सी श्वसन का जो कंटिन्यूस जो प्रक्रिया चलता एक एक कौन का कहल जाला? एक एक क्रेप्स साइकिल बोल जाला। का बोल जाला? क्रेप्स साइकिल। क्रेप्स साइकिल को खोज के कैलस तक क्रेप्स से कैले रहे। क्यों कैले रहे? क्रेप्स को। जबकि माइट्रोकांड्रिया का खोज के कैले रहे तो माइट्रोकांड्रिया का खोज कैले रहे ऑल्टमैन। क्यों कैले रहे? ऑल्टमैन। ऑल्टमैन माइट्रोकांड्रिया को। आ क्रेप्स साइकिल का कौन कैलस? क्रेप्स कैले रहे। आ क्रेप्स साइकिल का जो प्रक्रिया चल रहे तो क्रेप्स साइकिल से बने ला कौन चीज? 38 ATP। 38 ATP। आ ATP का फुल फॉर्म का होला? ATP का फुल फॉर्म अगर पूछ दे तेकर होला एडेनोसिन ट्राई फास्फेट। ATP का फुल फॉर्म हो गई, फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आ 38 ATP से का बनेला? एगो ग्लूकोज बनेला। का बनेला? एगो ग्लूकोज बनी। आ एगो ग्लूकोज से का बनी? ए ग्लूकोज ऊर्जा में अगर कन्वर्ट करब तो ऊर्जा में कन्वर्ट हो कितना दे? लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा का करेले निकलेला। अगर बोल दी हम कि अगर एक दिन में एक आदमी के काम करे खातिर कितना चाहिए, एगो आदमी बा तो एक डे खातिर कार्य करे खातिर हमने के लगभग 2500 कैलोरी की क्या होले ऊर्जा का आवश्यकता पड़े, यानी चार गो तू का खेब? चार गो छुहाड़ा ना, क्यों चीज? खजूर। चार गो अगर खजूर खा लेते तो एक दिन को तुहार काम पूरा पूरा निकल जाए। अब देखा एक दिन काम करे खातिर तुहर चार खजूर का कैल तो ऊर्जा तुहार पूरा पर्याप्त दे दी, लेकिन अब ऊर्जा पर्याप्त कैल खातिर क्योंकि अगर शुगर बा खजूर खिया दिला तो उनका खातिर का हो जाए? हालत खराब हो जाए। तो खजूर को खेब चार गो तो एक दिन का तुहार ऊर्जा का काम कम्प्लीट हो जाए। अब देख एक और कौन नाम से माइट्रोकांड्रिया के और कौन नाम से जान जाला? पावर हाउस ऑफ द बॉडी। ये का हो जाला?
ऊर्जा घर बोल जाला। का बोल जाला? ऊर्जा घर, यानी कि पावर हाउस ऑफ द बॉडी, पावर हाउस ऑफ द बॉडी के बोल जाला, पावर हाउस ऑफ द बॉडी माइटोकांड्रिया का। एक बार दोहराबा दोबारा, कोशिका को ऊपरी भित्ति के का ऊपर जो परत रहे का कहल जाला कोशिका झिल्ली। कोशिका झील के अंग्रेजी में कहल जाला सेल मेम्ब्रेन बोल जाला। इक्यौन चीज का मन लगेगा प्रोटीन और लिपिड को कितना कितना परसेंट पावल जाला, तो 50-50% दोनों पावल जाला आंसर। अब देखो कोशिका के अंदर का का पावल जाला, तो कोशिका के अंदर शुरुआती में देखते हैं कौन चीज के, माइटोकांड्रिया के। माइटोकांड्रिया का कोच कहल अल्टमैन। माइटोकांड्रिया के अंदर जोन टेढ़ा नुमा आकृति होले का कहल जाला क्रिस्टी कहल जाला। माइटोकांड्रिया में अगर हम सांस लेते हैं तो सांस ले आला फेफड़ा, फेफड़ा के बाद ब्लड में, ब्लड आगे पहुंचाई कहाँ, माइटोकांड्रिया में। माइटोकांड्रिया में जो ऑक्सी श्वसन होला कहाँ होला, माइटोकांड्रिया में। ऑक्सी श्वसन के बाद कौन साइकिल उत्पन्न होले, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में से कितना एटीपी निकले, 38 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म का होला एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एगो से का निकलला, एक एगो ग्लूकोज निकलला। एगो ग्लूकोज में का निकली, लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा निकली। अब देख एगो तह निकाल लेला कौन चीज, माइटोकांड्रिया। अब कौन का नंबर बा, अब देखा जा एगो होला गल्जी बॉडी। कौन चीज, गल्गी बॉडी, या हिंदी में गल्जी बॉडी भी लिखा जाला। का लिखब, गल्गी बॉडी या गल्जी बॉडी। अब देखा गल्जी बॉडी के बारे में, गल्जी बॉडी का कर ले। देखो अगर तुम्हारी पास ऊर्जा हो गई तो कहीं खूब ढेर ऊर्जा बा, अब एगो शरीर बा, हर जगह कोशिका में बराबर बराबर ऊर्जा निकले लगे तो पचत बा। यानी कि एक जगह ऊर्जा निकलल, जैसे कि हम अगर टीचर बने तो हमके कहाँ ऊर्जा ढेर चाहिए, हमके ढेर चाहिए जीभ में। जीभिया पता चल कि जीभिया में ऊर्जा कंटिन्यूस, जीभ खातिर ऊर्जा नहीं के मिलत, तो हम थोड़ी देर बाद का जीभिया लड़ुआ जी खैलक आधा घंटा बाद, जीभ लड़ुआ को बोली गल्जी बॉडी। आ लेकिन अगर हमें कहा बा लेबर बा, तो लेबर बट, तो लेबर बट तो जीभ में चाहिए, कहाँ चाहिए, ओके हाथ में चाहिए, पाँव में चाहिए, ओके मजबूत चाहिए। तो गल्जी बॉडी काम का होला, ऊर्जा परिवहन करना। ऊर्जा परिवहन का काम का करेले, गल्जी बॉडी करेले, या ऊर्जा का आदान प्रदान के कारण अंदर आई गल्जी बॉडी काम। ऊर्जा का आदान प्रदान के कारण अंदर आई गल्जी बॉडी के अंदर आ जाई। अब देखा जा दूगो चीज देख लिया जा, पहले सेल देख लिया जा, सेल के अंदर का देख लिया ला, एगो देख लिया माइटोकांड्रिया, दूसरा देख लिया गल्जी बॉडी। अब आई नंबर क्यों ना कह, हाँ एगो अगर सेल बात है कि पचकला से अगर केहू के बचाव के बताए करे में कुछ पिलर उलर जिससे बचाव के बजे, सरसों का दाना का अगर बराबर बा, सरसों का दाना से बहुत छोटी, सरसों का दाना के दमके आखिर देख ले जाए करा के देख अधिक चाहिए, हमने के चाहिए क्यों चीज माइक्रोस्कोप। तो एक अंदर कुछ रहे के चाहिए क्यों चीज, समथिंग जो एक पिलर, पिलर काम करे। तो एक में जो पिलर का काम करेला क्यों चीज कोशिका में, ओके का कहा जाला, पिलर का काम करेले ओके कहा जाला ER, यानी एक बोल जाला एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। क्या बोल जाला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। एक और हिंदी कई बार पूछ देला, जैसे पूछ लेला कि अंतः प्रदत्त जालिका, रेडिकुलम का और फुल फॉर्म का होला, सॉरी हिंदी अंतः प्रदत्त जालिका। एक बार एग्जाम में यही पूछ लिया था कि अंतः प्रदत्त जालिका का काम क्या होता है, तो वहाँ लेकिन कि यह ना पता चल कि अंतः प्रदत्त जालिका होला का, तो क्या पूछा था, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के पूछा था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जोन बा एक काम का बा, ते कोशिका के अंदर जोन है बा, एक काम हो कोशिका के अंदर पिलर का काम करता है। कोशिका के अंदर पिलर का काम करता है, या कोशिका को पचकने से बचाता है, या कोशिका को पचकने से क्या करता है, बचाता है, या कोशिका का कंकाल, इसे किस नाम से और जानते हैं, कोशिका के कंकाल के नाम से जानते हैं। कोशिका का कंकाल किसे कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल कहते हैं। अब ये एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, एक बड़ा थोड़ा सा फिगर बनाता हूं, एक ये हो गया क्या सेल,
इसके अंदर माइटोकांड्रिया, उसके नीचे गल्गी बॉडी, और उसके अंदर थोड़ा सा जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम ER। तो ये एक तरफ क्या होता है, थोड़ा स्मूथ होता है, एक तरफ बिल्कुल स्मूथ स्मूथ, और दूसरे तरफ क्या होगा, दूसरे तरफ ये थोड़ा खुरदुरा होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो है, ER लिख देता हूँ अभी, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम दो प्रकार का होता है, एक तरफ क्या होगा स्मूथ होगा और दूसरी तरफ क्या होता है रफ होता है, एक तरफ मुलायम मुलायम दूसरी तरफ खुरदुरा। तो जो स्मूथ रहेला वहीं से का निर्माण होला, वसा का निर्माण होला या फैट बनेला, आ जो रफ होला यानी देखो कौन चीज़ अगर फुलल फुलल रही मुलायम मुलायम रही तो कौन चीज़ रही वसा रही, आ जो इस रफ रही ओके का बोल जाला, ये रफ जो रहला वो राइबोजियम का कौन चीज़ बन रहला राइबोजियम का राइबोसोम का कौन चीज़ राइबोसोम का बना होता है। राइबोसोम क्या बनाता है, तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम कौन प्रकार का होला, राइबोसोम फिर दो प्रकार का होला, एगो होला 70S और दूसरा होला 80S। 70S क्यों नाम पहुंच जाला, जो हमने के आंखी से दिखाई ना दिलो सो, आंख से दिखाई ना दिया सो, जैसे कोरोना वायरस अभी देख रहा जाए, कोरोना यानी कि वायरस हो गई, बैक्टीरिया हो गई, आंख से ना दिखाई दी, कोरोना वायरस हो गई, इबोला वायरस हो गई, जोन कुछ भी हुआ, आ हई हमन के 80S वाला आंख से दिखाई दे, जैसे आदमी हो गई ना, हाथी हो गई, घोड़ा हो गई, बैल हो गई, पेड़ हो गई, कुल क्यों में सर ये कुल 80S में आई, आई बात समझ में। अब देखो यहाँ एस का होला, एस का फुल फॉर्म होला सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन कोफिशियंट, सेडिमेंटेशन कोफिशियंट, आ सेडिमेंटेशन कोफिशियंट का मतलब का होला के लिक्विड में डालने पर सबसे पहले बैठता है, लिक्विड में अगर डाल दोगे डालने पर सबसे पहले बैठता है, सबसे पहले नीचे बैठता है, आई बात समझ में। अब देखिए अब आप लोगों ने क्या क्या देख लिया, आपने देख लिया माइटोकांड्रिया गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम देख लिया, अब देखिए क्या क्या देख लिया आपने, जिसे एक फिगर बनाता हूँ, माइट्रो ये क्या है माइटोकांड्रिया, और ये क्या है गोल्जी बॉडी, और ये क्या है ER हो गया एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, और दूसरा अगर पढ़ूँ तो सेंट्रोसोम क्या हो जाएगा सेंट्रोसोम, सी से सेंट्रोसोम। इसके बाद में पढ़ते हैं चौथा, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, और ये चौथा, चौथा कौन सा है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के बारे में देखिए, सेंट्रोसोम का काम क्या है, तो इसका काम कोशिका विभाजन है, सेंट्रोसोम का काम अगर पूछे तो इसका काम क्या है कोशिका विभाजन, जैसे अभी बतौनी है ना कि खोपड़ी आप मार दिया क्या हो जी वहाँ से फूट गई, अब फूटला के बाद वहाँ का दूसर का हो जी स्थान दूसर चीज ले, तो दूसर स्थान ले तो कोशिका विभाजन हुई तबे ना, एकर काम हो जी कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन का काम का होला कि एक कोशिका अगर डेड हो जाती है, एक कोशिका मर जाती है, एक कोशिका के मरने पर अन्य कोशिका का जन्म हो जाना, अन्य कोशिका का जन्म हो जाना, एगो कोशिका मर गई दूसर की कोशिका का करिए और कोशिका का जन्म दे दे, तब बताओ जा कि कोशिका विभाजन बढ़िया बा कि घाव लगल वो कोशिका विभाजन हो तो हो जी दूसर कोशिका जन्म ले ली हलस। अब देखो अब ज्यादा कोशिका विभाजन हुई तो बढ़िया बा कि बढ़िया ना बा,
एगो कोशिका विभाजन भइल टूटल फाटल आ गप नया कोशिका जन्म जन्म ले लेल तो का हो जाए आपको शरीर में कोनो गड़बड़ी ना हो तो कोशिका विभाजन सही बा लेकिन ज्यादा होखे लगी तब तो खराब हो जाला। जैसे एगो हेतर हड्डी बिया है हाथ मिलता आ हड्डिया के का हो कोशिका मर गई आ हड्डिया के यहाँ का भइल दूसर कोशिका आके का होल केहूनी के तोर बढ़ गई तब का करी ना कोहनिया मुड़ही दी ना सही होके दी तो कोशिका ज्यादा विभाजन अगर होता तो क्या करिए नुकसान देवे लगेला कोशिका का ज्यादा विभाजन में कोशिका ज्यादा निर्माण अगर होता तो ही नुकसान करे लगेला क्या करेला नुकसान करे लगी आ नुकसान कई तरह करी कैंसर यही के कहल जाए ज्यादा एक कोशिका जहाँ कोशिका असीमित मात्रा में निकले लगे वही क्या कहल जाला कैंसर कहल जाला क्या कहल जाला कैंसर कहल जाला। अब देखिए जब बुढ़ापा होला तो हमने के मुंह पर का होला झुरिया लगे लगा का खत्म हो जाला फैट फैट अगर समाप्त हो जाई तो का हो जाई झुरी आवे लगी मांसपेशियन का संख्या तो हमने एकदम फिक्स बा 639। अब वसा हमने को चोट वसा का वसा यहाँ कौन को वसा बनाओ तरह केवन जो हमने का रहा है में केवन स्मूथ वाला फैट बनाओ तलब फैट बनाओ फैट से हमने का फायदा बा हमने के फैट जिस हाथ को हथेली देख ला यहाँ घाव लगे ला क्योंकि थप्पड़ मार दे मुँह पर एकदम का हो जी उनका मुँह भजन जाना जी लेकिन हाथ में तो अरे कुछ हो ही ना हो तो हमें घाव से क्या करता है रक्षा करता है चोट नहीं लगता है और क्या करता है ठंड से बचाता है। छोरियों में क्या होता है फैट ज़्यादा होता है देख ले भाई हमने का एक नॉर्मल आदमी बा तो वजन ज़्यादा हुई छोरियन में क्या हो जी कम हुई लड़किन में कम होला आ फैट ज़्यादा होला वजन कम हो जी फैट ज़्यादा हुई तो कम है वजन में का वजन फैट ज्यादा हो जाए तो लड़की का वजन लड़की जरा में ढेर फैट रही क्या रही चमकीला रही मोहन का रही देख लड़की को देख मुलायम मुलायम और क्या रही चेहरा चमकता रही यानी कि ठंडो कम लगी यानी कि लड़की के देख लो बराती उराती में देखो तू पति महाराज का करी हाँ ठिठुरा तो आई एगो ही खाली झिंगली लुगा पहन के वह है तर ऊपर ले कटल बे झूला वही पे घूमत है सो तो इन लोग ठंडा भी कम लगी घाव भी कम लगी तो सेंट्रोसोम देखो कुछ चीज़ों में फायदा भी होला जैसे सेंट्रोसोम का करला विभाजन होला जैसे छिपकली में देख ले कोशिका विभाजन छिपकली में तेजी से होला देख लेब छुप छिपकली अपन का करे ले छिपकली की पूछ अगर कट जाई तो फिर तुरंत का हो जाले कुछ दिन के बाद देखब नया निकल जाइ वैसा ही चूहा का पूछ भी का करे ले नया उग जाई इन्हें में का होला सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम यानी कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से काम करेला। अभी तक ले जो हमी को बता नहीं है कि सेंट्रोसोम बहुत तेजी से हो जाए तो कैंसर हो जाला कैंसर का अभी तक ले कोनो सटीक इलाज नहीं किया एक वैक्सीन बनल बा जितना हमने कोरोना भइल बा कोरोना का वैक्सीन लगा लेल जाए लेकिन अभी एगो को कैंसर का जो वैक्सीनो बनल बा ओकर टेस्ट कइल बहुत मुश्किल होला जैसे कोरोना का बाद तो कोरोना कैरियर भेजा उनका में कोरोना ना भइल तो का वैक्सीन सफल बा कोरोना हो गई तो वैक्सीन सफल नहीं के लेकिन कैंसर अपन मन होई कैंसर जरा में होई ओकरा में लगेब आ जरा में ना होई ओकरा में कैंसर ना लेब कहाँ कैंसर करिए ना दूसरा कैंसर सटेब तो होई आ ना होई जकर अगर होल हो जाए कैंसर अगर हो गई तो शुरुआती में अगर तो पता चल गई तो शुरुआती में सही हो जाए लेकिन जैसे कीमोथेरेपी होला गामा रे से सही कर जाला लेकिन अगर कुछ ज़्यादा लेट हो गई तो ये सही ना होला आपके तो क्या करी डेड कर दी। तो मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में धन्यवाद।